Hello students, I am Prince Kumar, Kids Global School Golpara. आज हम part 2 video लेकर के आए हैं living things और non-living things से related. आप लोगों ने पढ़ लिया है living things and non-living things के बारे में. तो मैं आज बताना चाहूँगा living things, जैसे कि आपके घर में balloon है. आप अपने घर में जो balloon है उसको अगर उसमें जब हवा भरते हो तो वो तो ग्रो करके बड़ा हो जाता है, बट वो नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो अपने जैसे बैलून बर्थ नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं करता है बैलून, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स है. चलिए एक क्वेश्चन और हम आपसे मैं पूछ लेता हूँ. आपके घर में बाइक होगा, पापा चलाते होंगे बाइक, तो वो बाइक जो है उसमें वो भी तो आखिर वो फूड लेता है, तेल लेता है ना. बाइक जो है वो फूड ले रहा है, पेट्रोल, पेट्रोल ही तो उसका फूड है ना. वो मूव करता है, हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कहीं भी जाते हैं पापा के साथ बाइक से, तो फिर बच्चों वो क्यों नहीं लिविंग थिंग्स है? क्या पता है आपको? इसलिए लिविंग थिंग्स नहीं है क्योंकि वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए वह नॉन लिविंग थिंग्स है. तो आप समझ गए होंगे, जैसे मैं पहला एग्जांपल बताया था बैलून ग्रो तो करता है बट वो नॉन लिविंग थिंग्स है. तो देख लीजिए बाइक मूव भी कर रहा है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है. हाँ तो बच्चों आप कॉपी और पेन निकालेंगे और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे. ओके, आर यू रेडी? ओके, अब आपके क्वेश्चन आएंगे. होमवर्क, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों इस क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों इस वीडियो को रोक करके फिर बनाए क्वेश्चन. राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बच्चों तीन अंतर बताना है. ओके ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में.